नमस्कार साथियों, सुधांशु मिश्रा आप सभी का टॉपर्स प्लांट पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं माता शीतला के दर्शन करने के बाद रात में ही बनारस आ गया था। बनारस इसलिए आया क्योंकि उस रात शिवरात्रि थी, तो बनारस में रात्रि बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन वो अपने लिए ही रखूँगा, अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि बनारस की नाइट लाइफ जो है वो वीडियो बनाने लायक नहीं है। ठीक, तो अब बनारस से रात में ही हम निकल चुके हैं विंध्याचल के लिए। विंध्याचल ये माता जी के दर्शन के लिए जाया जाता है। ये विंध्याचल जो है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम बनारस से निकले हैं मिर्ज़ापुर के लिए। बाकी तो आप सफ़र में देख ही लोगे और समझ जाओगे। बनारस से मिर्ज़ापुर जाने के लिए रोड आपको एक नंबर की मिलेगी। आप एक घंटे से डेढ़ घंटे के बीच में बनारस से मिर्ज़ापुर आराम से पहुंच सकते हैं। रोड बहुत अच्छी रोड है। अब रोड के बारे में और क्या बताएं, आप देख ही रहे हो। रोड इससे बढ़िया रोड अभी तक मुझे नहीं मिला है। जबकि अगर आप जौनपुर से होके जाते हो मिर्ज़ापुर, तो वहाँ की रोड बहुत बेकार रोड है। आपका दो घंटे का सफ़र तीन साढ़े तीन घंटे में लगा देता है, क्योंकि मैं लौटते टाइम मिर्ज़ापुर से जौनपुर होके घर जाऊंगा, तो मुझे पता है वहाँ की रोड कैसी है। इसीलिए मैं रात को यहाँ बनारस आया और बनारस से फिर बाय रोड मिर्ज़ापुर जाने का सोच लिया, क्योंकि अगर मिर्ज़ा जौनपुर से होके जाता तो काफ़ी परेशान हो जाता। अगर हम भारत सरकार की बात करें, तो भारत सरकार ने रोड्स पर और शहरों की सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बनारस आया था, तो बनारस रहने लायक नहीं था। बनारस में कुछ मतलब कहीं आप किसी गली में जाते तो छोटी छोटी सी गलियां, खड्डे भरे रोड ऐसे थे। लेकिन अब की बार मैं बनारस आया तो बनारस मतलब एक लखनऊ के टक्कर का बन चुका था। बनारस में काफ़ी अच्छी सुविधा है, रोड की साफ़ सफाई है, सड़क के किनारे पेड़ वगैरह लगे हैं, ग्रीनरी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, पोल्यूशन पे भी कंट्रोल कर रहा है बनारस। घाट्स पहले इतने गंदे रहते थे, मैं पहले भी आया हूँ बनारस, घाट्स बहुत गंदे रहते थे, लेकिन आज के टाइम के घाट जो हैं वो काफ़ी अच्छे घाट हैं। साफ़ सफाई होती है डेली, गंगा की साफ़ सफाई तो आपको पता ही होगा कि 2014 से ही गंगा की सफाई में सरकार लगी हुई है, काफ़ी पैसे खर्च कर रही है। तो अगर आप बनारस आते हैं, तो बनारस में आने के बाद आप प्लीज़ साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंकिए, अपने कचरे को डस्टबिन में फेंकिए, और जगह जगह पे डस्टबिन लगा है, आप डस्टबिन का यूज़ करिए। और वैसे कहीं भी आप जाइए, आप किसी भी शहर में जाइए, साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शहर आपका है, हमारा है, इस देश की जितनी भी जनता है सबकी है, सबका है। आप कहीं भी आएं, कहीं भी जाएं, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अपनी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं, ना शहर को ना किसी इंसान को। मज़े से ट्रेवल करें, अच्छे से अपनी ज़िंदगी मौज से बिताएं। ये जो आपका चैनल है टॉपर्स प्लांट, ये यूपी स्टेट के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दार्शनिक प्लेसेस हैं,
जो टेंपल्स हैं, जो मॉस्क्स हैं, वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री का जो शुरुआत है वो हो चुका है माता चौकिया शीतला माता के मंदिर से। अब आगे ऐसी वीडियोस YouTube पर आती रहेंगी इस चैनल पे, टॉपर्स प्लैनेट पे। ये यूपी स्टेट के पहले दार्शनिक स्थल को कवर करेगा, फिर उसके बाद UK, MP, पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेट हैं सब में विजिट करेगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे वीडियोस बनाएगा वहाँ के प्लेसेस के ऊपर और फिर YouTube पे डालेगा। इससे क्या होगा कि भारत की जो टूरिज़्म व्यवस्था है वो प्रमोट एक टाइप से होगी। और अब टॉपर्स प्लैनेट पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को करने के लिए आगे आ चुका है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, क्योंकि चैनल को मोटिवेशन मिलेगा तभी चैनल और अच्छे से अपना काम करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ भी आप हैं वहाँ शेयर करिए। पर्सनली आप लोगों से मिल के बताइए कि अगर आपको कहीं यूपी में जाना है और वीडियो देख के जाना है, उस जगह के बारे में पहले से ही जानकारी लेके जाना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप फिर कहीं भी विजिट करने जाइए तो इस चैनल का वीडियो देख के आराम से आप घूम सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल चौक। जो बसेस मिर्ज़ापुर से होके इलाहाबाद के लिए जाती हैं वो बस यहीं पर छोड़ती है, और यहाँ से आपको अगर रात है तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होगी। अगर आप दिन में हैं तो आपको यहाँ से आराम से 10 रुपये में टैक्सी मिलेगी और गंगा घाट को आपको गंगा घाट तक छोड़ देगी। लेकिन मैं जब आया तो मैं रात में था, तो इसलिए मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल अपने कुछ, ये देख रहे हो यात्री, इन्हीं के साथ तय करनी पड़ेगी। और ये जो रोड है इसी रोड पर आपको पैदल 1 से 1.5 किलोमीटर चलना होगा। आगे चलते हुए ये रोड के किनारे किनारे कुछ काम हो रहा है, शायद नाली बन रही है या कुछ तार वोर बिछाया जा रहा है। देखो हमारे साथी कितने मस्त से आराम आराम से आगे चल रहे हैं, मैं भी अपना वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ। किनारे कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन किनारे किनारे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको इंजॉय लेते हुए रात का आराम से चल सकते हो। रोड ठीक ही है और आपको किसी का डर नहीं है, आराम से आप चलते रहिए। 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप गंगा घाट तक पहुंच जाएंगे। और एक चीज, अगर आपको होटल चाहिए तो आप यहीं गंगा घाट पे ही किनारे में ही होटल आपको मिल जाएगा। जैसे भाई साहब ये जो हमारे सामने चल रहे हैं इनको होटल चाहिए तो मेरे साथ तक आए थे और यहीं आसपास में ये अपना होटल अभी ले लेंगे, इनको अच्छा सा होटल मिल जाएगा सस्ते में रहने के लिए। तो आप भी अगर आके यहाँ रहना चाहें तो आप कहीं बाहर होटल ना लेके गंगा किनारे मंदिर के पास में आइए और वहाँ पे आपको कई होटल आश्रम मिल जाएंगे रहने के लिए। अब ये नहीं मालूम कि नवरात्रि के टाइम या जब बहुत भीड़ होती है तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं आया हूँ इस समय भीड़ काफ़ी कम है, कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर का वीडियो, सब बोलते हैं कि नहीं बना सकते थे, लेकिन मैं तो मंदिर का वीडियो भी बनाया हूँ अच्छे से, क्योंकि भीड़ नहीं थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वीडियो बनाया हूँ और आपको देखकर बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को। हम इसी रास्ते पर चलते चलते आगे गंगा घाट तक पहुँचेंगे। साइड साइड में दुकान भी है, होटल भी है, दुकानें सारी बंद हैं लेकिन होटल खुले हैं। आप रात में 24 आवर्स चाहे जब आप आइए आपको होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि नवरात्रि के टाइम में किसी त्यौहार के टाइम में आप आएंगे तो आपको अपने होटल के लिए कुछ ज़्यादा रुपए भी देने पड़ सकते हैं। ये जैसे देखिए एक होटल,
आपको यहाँ पर एटीएम की सुविधा भी मिल जाएगी। जैसे अभी देखो बगल में निकला एसबीआई का एटीएम, आगे मैंने देखा ये एसबीआई का खैर बंद है, लेकिन आगे कई एटीएम ऐसे थे जो खुले भी थे, चल भी रहे थे, उसमें बैलेंस भी था, तो आप एटीएम का भी इस्तेमाल यहाँ आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा आपका खर्च हो जाता है तो आप यहाँ से पैसा भी निकाल सकते हो। यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, वेल डेवलप्ड है, आप यहाँ आराम से चाहे जब आके आराम से रह सकते हो, नो टेंशन। मैं शहर देखने के लिए आगे निकल गया, बाकी गंगा घाट पीछे छूट गया है। गंगा घाट पीछे जाने का रास्ता जो होता है गंगा घाट का, वो पीछे मेरे छूट गया है। मैं आगे शहर दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा निकल लिया, क्योंकि इतनी रात को गंगा के किनारे जाके कोई मतलब नहीं है, तो मैं सोचा शहर को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। तो ओवरऑल मुझे देखने पर यही लगा कि खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, रेस्टोरेंट्स हैं और भोजनालय भी अच्छे खासे, होटल हैं रहने के लिए, खाने के लिए भी हैं, और पूरी रात आप पूरी सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे ये देखिए शिवरात्रि भोजनालय है एक, तो यहाँ आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। अब खैर मैं काफ़ी आगे निकल रहा हूँ, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना था शहर का, तो मैं पूरा बनाऊँगा। आप देखिए क्या क्या मिलता है आपको वीडियो में। घूमते घूमते ये छोटे छोटे दो तीन चार मंदिर भी दिखे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ, अब हमें लौटना चाहिए। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था की गई है, ये देखिए ये शायद आश्रम है छोटा सा, यहाँ आपको रहने की व्यवस्था आराम से। ये देखिए यहाँ पर यात्रियों के ठहरने एवं शादी ब्याह जनेऊ जैसे सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आप भी यहाँ आके अगर रूम ले के रहना चाहें तो आराम से रह सकते हैं। ये है गंगा घाट जाने का रास्ता, अब हम आराम आराम से धीरे धीरे गंगा घाट की ओर बढ़ रहे हैं। चाचा से कुछ पूछ लेते हैं, घाट कौन सा रास्ता है जी? हमको सब पता है, वो तो सिर्फ मजा लेने के लिए पूछ लिए चचा। मेरे इस वाले चचा का मतलब मिर्जापुर वाले चचा से बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो सोच लो कि हम मिर्जापुर में आ गए तो मिर्जापुर वाले चचा की बात करने लगे।
नाइट होने के कारण ही सारी दुकानें बंद हैं। बाकी इस गली में हमेशा चहल पहल रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। त्यौहार के टाइम में तो यहाँ चलने की भी जगह नहीं होगी, ये मुझे मालूम है। ये देखिए भगवती भवन, यहाँ भी देखिए होटल वगैरह का एकदम, मतलब आप गंगा के किनारे होटल लेके रह रहे हो, बस आप ये समझ सकते हो। इससे ज़्यादा आसान ठहरना आपको कहाँ मिल सकता है। रोड अच्छी है, आराम से आप निकलिए धीरे धीरे। सामने ये देखिए गंगा घाट के बिल्कुल करीब में सागर रेस्टोरेंट है। यहाँ पहुँचने के बाद आप एरो वाली साइड में जाएंगे तो विंध्यवासिनी मंदिर में आप पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको पहले गंगा घाट पे स्नान करना है, तो हम सीधे उसी रास्ते पे आगे निकलेंगे, फिर गंगा घाट पे हम पहुँच जाएंगे। वहाँ स्नान करने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे भी वीडियो बना देंगे, उसके बाद हम आएंगे विंध्यवासिनी का। यहाँ कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम भी चल रहा है। घाट कैसे जाए चाचा? घाट अब आ गई ना पतली वाली गली, अब इसी गली में आगे निकलते निकलते चले जाएंगे, फिर इस गली को जब क्रॉस करेंगे पूरा, तब हम पहुंच जाएंगे गंगा के किनारे घाट। और घाट का व्यू आपको देखने में क्या मस्त लगेगा। वैसे पहले गली का एंजॉयमेंट लीजिए। यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है, ये देखिए श्री दुर्गा यात्री निवास पोस्टर लगा है, तो आप यहाँ एकदम किनारे पर रहना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं रूम। अब इससे ज़्यादा व्यवस्था क्या बताएं आपको। हम कर चुके हैं अब गली को पार और पहुँचने वाले हैं एक नई दुनिया में, एकदम नेचुरल दुनिया में पहुँचने वाले हैं। ये छोटा सा मंदिर है, अब इसी मंदिर के बाद से एक सीढ़ी लगी है नीचे की तरफ जाने के लिए। ये एक खुला सा रास्ता और ये एक दिव्य गंगा। अब हम इस सीढ़ी से नीचे उतरेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से। अच्छा, उतरते टाइम काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन चढ़ते टाइम इस पे हालत ख़राब हो गई थी। ओह, मैं तो यहाँ आके चढ़ते टाइम वहाँ उस वाली सीढ़ी पे थोड़ा सा रुक के आराम भी किया था। ये देखिए वाह, नाइट में वीडियोग्राफी का मज़ा ही अलग है, खास करके वीडियोग्राफर अगर आप खुद हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लोग पूरी रात गंगा के किनारे बैठे रहते हैं सब लोग, ये लोग नहा धो के आराम से निकल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं नहाएंगे। लेकिन गंगा के किनारे बैठने का मज़ा ना बहुत आनंद आएगा। गंगा नहीं, किसी भी नदी के किनारे अगर आप रात में बैठते हो, वहाँ रहते हो, बहुत अच्छा लगता है, लाइफ का पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाता है।
आप एक बार किसी नदी के किनारे बैठ के तो देखो, अगले दिन से आपको अलग ही मज़ा आने लगेगा, लाइफ पूरा चेंज हो जाती है ऐसा लगता है। ये छोटे छोटे बॉटल्स रखे हैं जिसको गंगा जल ले जाना होता है, वो अपना इनसे बॉटल वोटल लेके गंगा सामने दिख रही हैं इसमें से पानी भरता है और फिर अपने घर को लेके जा सकता है। ये नाव है, आप नाव की सवारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी सस्ते में है, ये लोग 30-40 रुपए लेते हैं। आप अगर नाव की सवारी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मेरा गंगा का स्नान हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे मंदिर की तरफ। वैसे व्यू आप देखिए गंगा का कितना अच्छा लग रहा है। ये जो ब्लू कलर में बाउंड्री जैसा लगाया गया है नदी के बीच में, वो इसलिए है कि उसके आगे कोई यात्री नहाने के पर्पज़ से ना जाए, क्योंकि उधर गहरा है। वाव क्या व्यू है, देख रहे हो? और ये पेड़ जिसको नाइट में हमने कैप्चर किया था, आप देखो कैसा लग रहा है। वाह, वीडियोग्राफी का अपना ही मज़ा है। नाइस। में एंट्री का ये मेन गेट है, काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है, आपको थोड़ा सा झुकना होगा और फिर लाइन में लगना होगा। अब ये लाइन में लग गए हो और ये देखो सामने विंध्यवासिनी जी का मूर्ति है। लाइन बहुत छोटी है, लेकिन जब त्यौहार में आते हो या नवरात्रि में आते हो तो भी ये लाइन बहुत बड़ी हो जाती है, हजारों लोग यहाँ खड़े होते हैं, फिर दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ राख वगैरह रखा है, कुछ है पता नहीं क्या है। सामने वो यही मेन मूर्ति है विंध्यवासिनी माता का। अब सोचो इतनी आसानी से वीडियो यहाँ बन सकता है, हालांकि मुझे भी वहाँ जाके पूजा करना है तो मैं एकदम पास से तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा वीडियो ही बना दूंगा तो आपको जाने से क्या मतलब हो जाएगा। आपको इतना वो किया जाएगा कि आप कम से कम जाने के बाद वो जो दर्शन होता है वो आपको वीडियो पे नहीं दिखा सकता, फिर भी आप देख सकते हो मूर्ति आपको दिख रही है। मंदिर में जाने के बाद ये प्रशासनिक दान पात्र जो होता है, यहाँ पे आप कुछ रुपए ज़रूर डाल दिया करिए, क्योंकि यहाँ से पैसा जो होता है वो सरकार जब कभी किसी स्टेट पर कहीं किसी जगह पर जो विपत्ति पड़ती है तो वहाँ पे सरकार अपना पैसा यहाँ सबसे निकाल के वहाँ खर्च करती है। तो इससे क्या होता है कि हाथों हाथ थोड़ा दान हो जाता है और लोगों के कल्याण के लिए आपका कुछ रुपया सरकार तक भी पहुँच जाता है आराम से, बिना किसी मशक्क़त के। ये क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या था। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर का सबसे बड़ा हवन कुंड, यहाँ पे आप बैठ के आराम से हवन कर सकते हो। देखिए पंडित जी अभी मंत्र भी पढ़ रहे हैं और ये देखो 4-5 लोग अपना स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। सभा दे के कपि जाई कहीं न जाई कछुवति प्रभु ताई।
ये मंदिर का पिछला हिस्सा, जब त्यौहार में काफ़ी भीड़ होती है तो ऐसे ही लाइन में लोग खड़े होकर माता जी के दर्शन करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि मैं मेन गेट से सीधे घुसा और आराम से माता जी के दर्शन कर लिए। दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। अब हम निकल चुके हैं काली खोह दर्शन के लिए। ये विंध्याचल में ही है। अब यहाँ इस रास्ते से हम आगे जाएंगे और वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और वहाँ से फिर निकल जाएंगे 15 रुपये देके काली खोह दर्शन के लिए। तो वो वीडियो अगर मैं इस वीडियो में ऐड करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।